साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक टी20 विश्व कप 2024 सुपर 8 में लगातार धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं। डिकॉक ने सुपर 8 के अपने दूसरे मैच में दूसरी अर्धशतक पूरी की, इससे उन्होंने मैच को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ महज 22 गेंद में 50 रन बना दिया और 65 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने इस पारी में 38 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्के जड़े। इससे पहले सुपर 8 के अपने पहले मैच में डिकॉक ने अमेरिका के खिलाफ 40 गेंदों पर 70 रन ठोके थे। बता दें कि सेंट लूसिया में जारी इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका के पहले बैटिंग के लिए बुलाया। क्विंटन डिकॉक और रिचा हैट्रिक्स के साउथ अफ्रीका को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों में 5वें ओवर में टीम की 50 पूरी की। 10 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 87 रन पर था। इसके साथ ही टी20 विश्व कप 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में डिकॉक दूसरे नंबर पर पहुंच गए। वह 6 मैचों में 187 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर निकोलस पूरन 200 रन के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि अमेरिका के एंड्रयू गॉस 182 रन के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। क्विंटन डिकॉक को 58 के निजी स्कोर पर थोड़ी राहत की सांस ली। स्पिनर आदिल राशिद की गेंद पर मार्क वुड ने उन्होंने जीवन दान दिया। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर डिकॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, जिसे मार्क वुड ने बाउंड्री के कुछ कदम दूर लपक लिया। फील्ड अंपायर ने डिकॉक को आउट दे दिया था, लेकिन डिकॉक ने अंपायर की टीवी अंपायर के पास भेजने का आग्रह किया। थर्ड अंपायर को लगा कि मार्क वुड क्लीन कैच नहीं पकड़ पाए, ऐसे में डिकॉक को नॉन आउट करार दिया गया।